जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक यहाँ पर पैटर्न बनाई हुई है, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल के ऑर्डर में यहाँ पर दो पैटर्न्स बनाई गई है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन्स है वो प्राइस एक्शन है, जहाँ पर रेड कलर की लाइन्स है वो डाउन साइड की तरफ की एक प्राइस एक्शन है। असेंडिंग ट्राइंगल के लिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक रेजिस्टेंस पे बार बार रिजेक्शन आ रहे है, बट उसके जो लो है वो हायर फॉर्म में यहाँ पर रिफॉर्म होते जा रहे हैं और एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है। सेम उसी तरह ही एक सपोर्ट लेवल पे बार बार सपोर्ट हिट होता है, बट उनके जो हाई है वो लोअर एंड पर रिफॉर्म होते जा रहे हैं और एक तरह से वहां पर एक ब्रेकडाउन एंट्री हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। सो इस तरह से कुछ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल के लिए एंट्री जो रहेगी वो एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, वहां पर आपकी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो नियर बाय लो या तो फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी आप ले सकते हो और यहाँ पर एक अच्छा खासा आउटपुट आप ले सकते हो। उसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए यहाँ पर सपोर्ट पे एक ब्रेकआउट एंट्री रहेगी, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस हाई रहेगा या प्रीवियस रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहाँ पर मिल सकता है। सो चलो देखते हैं अभी किस तरह से इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई किया जाए और इसमें ट्रेड किया जाए। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो पैटर्न एक साथ में आइडेंटिफाई होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोज है वो हायर लो क्रिएट हो रहे हैं, बट वहां पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा है और वहां पर जिस टाइम पर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है उस टाइम पर एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर नजर आ रहा है। उसी तरह आप डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जहां पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पा रहा है और वहां पर कंटिन्यूअसली एक लोअर लो रिफॉर्म हो रहा है और एक यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है। यहाँ पर जो हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का है, एक एग्जाम्पल है कि जहां पर किस तरह से इसको हम आइडेंटिफाई करें। चलो देखते हैं किस तरह के इसको स्टॉक में आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ पर मैंने ACC का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो हो रहा है और वहां पर बार बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के ट्राई में यहाँ पर बार बार लोज रिफॉर्म हो रहे हैं। जो लोज रिफॉर्म हो रहे हैं वो नेक्स्ट लो जो रहेगा वो प्रीवियस लो से हाई पर रहेगा और सेम उसी तरह एक पॉइंट आता है जहां पर हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है और एक यहाँ पर एक अच्छा खासा स्विंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो एंट्री है वो ब्रेकआउट एंट्री आप ले सकते हो, प्रीवियस लो जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और यहाँ पर जो टारगेट रहेगा 1:1 का आपका टारगेट रहेगा। सो इस तरह से कुछ ACC में हमने आइडेंटिफाई किया है। सो मैं आशा करता हूँ आपको असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल को आइडेंटिफिकेशन मिल चुकी रहेगी और आपके ट्रेडिंग में ये फायदेमंद साबित होएगी। सो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए LSBLUE ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन रखें, जिससे आपको हमारी अपकमिंग अपडेट रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.